हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी कि अगर आपसे वाउचर गलत क्रिएट हो जाए तो उसे आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट कर दिया और बाद में वो आपने कैंसिल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। तो अब आपको मैं सीधा शॉर्टकट की बताऊंगी, ठीक है। अब आपको कीबोर्ड की एक बार डी की प्रेस करनी है, डी अल्फाबेट, एंड देन आपको अगेन डी प्रेस करना है, यानी आपको टू टाइम्स डी की प्रेस करनी है, आपकी डे बुक ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट की एंट्री डिलीट करनी है तो आपको उस एंट्री को सिलेक्ट करना है, पेमेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको फिर ऑल्ट प्लस डी की प्रेस करनी है, और जब जैसे आप येस पे क्लिक कर देंगे आपकी वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं डे बुक से पेमेंट की एंट्री निकल गई है, डिलीट हो गई है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एंट्री चेंज करनी है तो आपको उस एंट्री पे क्लिक करना है, एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाय मिस्टेक अमाउंट गलत ऐड कर दिया तो आप यहाँ से अमाउंट चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो आपकी वो एंट्री सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे 15 से 18 हज़ार अमाउंट हो गया है महेश का, जो कि हमारा डेटर है, ठीक है, जिसको हमने सेल किया था। इस तरीके से आप डे बुक में जाकर किसी भी वाउचर को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, या फिर किसी भी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा हो गई है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं और डिटेल में और कुछ नई नई चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूंगी, जैसे बैलेंस शीट क्या होती है, हम डिटेल्ड बैलेंस शीट कैसे देख सकते हैं, एंड ऑल लाइक दैट स्टफ। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।